भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सन 2000 में। भारतीय विधायिका में भारत के आईटी कानून का क्या नाम है? भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सन 2000 में भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किसने पारित किया? पोर्टरिल रमन नारायणन। सीबी डिजिटल संपत्ति या जानकारी को चुराने वाले आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत साइबर अपराध लिखा जाता है? आईटी अधिनियम 2000 की धारा 65। आईटी अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है? आईटी अधिनियम 2008। प्राधिकरण के बिना कंप्यूटर तक पहुंचना एक साइबर अपराध है जो किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 66। कोई भी साइबर अपराध जो आईटी अधिनियम की धारा 66A के अंतर्गत आता है उसके तहत आरोपी व्यक्ति पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है? 5,00,000 रुपए। भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 66 में सूचीबद्ध किसी भी साइबर अपराध के तहत आने पर आरोपी व्यक्ति को कितने साल के कारावास का सामना करना पड़ सकता है? 3 साल। नेटवर्क में कमजोरियों की जांच के लिए कंपनियों में उपयोग किया जाने वाला दुनिया का सबसे लोकप्रिय मेटा स्कैनर कौन सा है? नेसोस। कौन सा टूल ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्ट्री समस्याओं का पता लगा सकता है? लैंडगार्ड नेटवर्क सिक्योरिटी स्कैनर। इनमें से क्या डीबगर और एक्सप्लोरेशन टूल है? नेटकैट। कॉर्पोरेट डेटा संचार और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा में क्या मदद करता है? सिफर क्लाउड। वाईफाई को बेईमानी से इस्तेमाल करना एक साइबर अपराध है? हाँ। किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाई गई कोई भी डिजिटल सामग्री जो समाज को स्वीकार्य नहीं है एक साइबर अपराध है जो आईटी के अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 67। किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को कैप्चर करने के लिए मॉल और दुकानों में स्पाई कैमरों का इस्तेमाल करना आईटी के किस एक्ट के अंदर आता है? धारा 67। किसी को आपत्तिजनक संदेश भेजना किस भारतीय आईटी अधिनियम के अंतर्गत आता है? 66A 2008।